अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो तुकला मॉकिंग बर्ड के फोरशेडोइंग और सिंबलिज्म के बारे में है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोरशेडोइंग। ठीक है जी, सो फोरशेडोइंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोरशेडोइंग शोज यू समथिंग विच इज़ गोना कम लेटर इन अ ड्रामा और अ नावल, एन इंसिडेंट विच प्रिडिक्ट्स और विच टेल्स यू समथिंग दैट इज़ गोना हैपन लेटर। सो इन दिस नावल टुकेला मॉकिंगबर्ड में कौन सा ऐसा वाक्य होता है जो शुरू में आपको जब उसके बारे में पता चलता है तो यू विल नो दैट व्हाट लीड टू दिस इवेंट्स, व्हाट सर्टेन थिंग्स हैपेंड दैट लेड टू दिस इंसिडेंट। तो बिल्कुल स्टार्ट में ही हमें पता चलता है कि स्कॉट किस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है। वो अपने स्काउट चलो लिख लेते हैं, स्काउट जो है गर्ल द प्रोटैगनिस्ट स्कॉट टॉक्स अबाउट ब्रेकिंग ऑफ जेम्स आम। ठीक है, तो अब शुरू में हमें तो ये पता नहीं चलता कि जेम का जो ये हाथ है वो किस चीज़ से वो क्या होता है हुआ चुका होता है टूट चुका होता है। तो ये हमें आगे जाके पता चलता है कि किस चीज़ से ये वाक्या हुआ होता है कि जब अब बॉब इन लोगों पे हमला करता है, जो इनके फादर जो होते हैं एटिकस जो होते हैं, उन्होंने एक ब्लैक बंदे का डॉम रॉबिन्सन जिसका नाम होता है उसका केस लिया होता है। ठीक है, तो उस और वो क्या केस होता है, उस पर एक लड़की की रेप केस का केस होता है। तो उस लड़की का जो फादर होता है बॉब, वो उन पे हमला करते हैं और इसी हमले के दौरान जेम का जो हाथ है वो टूट जाता है। ठीक है जी, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग वी गोना डिस्कस आर सिंबलिज्म। डू यू नो व्हाट इज सिंबलिज्म? अच्छा, मेजॉरिटी जो नॉवल्स हो या ड्रामास हो गए इनमें सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो सिंबलिज्म वो चीज़ें होती हैं जो मतलब सामने तो एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, जिस तरह हम अगर एग्जांपल लें तो वाइट फ्लैग जो है वो पीस की निशानदेही करता है। ठीक है, वो और डव जो होता है वो भी पीस की निशानदेही करता है। रेड जो है कलर रेड इट शोज एग्रेशंस। ठीक है, तो दीज वर जस्ट सिंपल एग्जांपल्स। सो द मेन एग्जांपल्स इन दिस नॉवल टुकेला मॉकिंग बर्ड आर के सिंबलिज्म यहाँ पे सबसे पहले जो सिंबल है, सबसे बड़ा बल्कि जो सिंबल है इस नॉवल में इज द मॉकिंग बर्ड इट सेल्फ। ठीक है जी, एंड व्हाट डज इट्स इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज इनोसेंस। ठीक है जी, इट इम्प्लाइज इनोसेंस क्योंकि एथिकस ने अपने बच्चों को बताया हुआ होता है शुरू में ही कि इट इज़ अ सिन, इट इज़ अ गुनाह। ठीक है, ये गुनाह है। क्या चीज़ गुनाह है? कि तुम एक मॉकिंग बर्ड को मारते हो। क्यों? क्योंकि वो बेचारे को और कुछ भी नहीं करते बल्कि हमारे लिए अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इनोसेंस है वो किसकी तरफ फिर इशारा करता है? वो उनकी जो नेबर होता है वो रैडले उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है जी, किसकी तरफ इशारा करता है? बू रैडली की तरफ इशारा करता है क्योंकि उस बेचारे के बारे में इतनी कयासारियाँ होती हैं, इतनी स्पेकुलेशन होती है कि ही इज़ एन जॉइंट एंड ही ईट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग, ऑल्दो देयर इज़ नथिंग एज सच, ही इज़ जस्ट इनोसेंट ह्यूमन बींग। और वो जेम ऑस्कॉट को भी बॉब के जो हमले से पैर बचाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरा जो सिंबल इस नावल में है दैट इज़ द फ्लावर्स एट द नेबर्स हाउस, एट द नेबर्स हाउस। ठीक है, तो फ्लावर्स जो होते हैं जो नेबर्स के बागीचे में लगे होते हैं, उनके गार्डन में लगे होते हैं, इट सिंबलाइजेस रेसिज्म। व्हाट डज इट सिंबलाइज? इट सिंबलाइजेस व्हाट? रेसिज्म। इट सिंबलाइजेस रेसिज्म क्योंकि जब एथिकस एक ब्लैक बंदे का केस लेता है तो एवरीवन इन द नेबरहुड गोज अगेंस्ट हिम और उन उस ग्रांचे से ताल्लुक भी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन एटिकस जो कि एक अच्छा बंदा होता है वो इसलिए भी ये पॉइंट होता है कि वो उनका केस लेता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, तो शुरू में इनके हमने पढ़ा होता है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि हमने पढ़ा कि जो एटिकस की वाइफ होती है जेम और स्कॉट की माँ, वो बहुत पहले मर चुकी होती है। तो इनके घर जो एज अ फीमेल वर्क काम करती है, जो इनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो क्या होती है? वो कालपुनिया होती है और वो एक ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। ठीक है, हु इज़ शी? When another thing that is in this novel is there is a dog. There is a dog in this video. ठीक है जी, सो व्हाट डज द डॉग डिस्क्रिमिनेट्स? ये इनके नेबर में एक कुत्ता होता है एंड इट रेफर्स टू द क्लास डिस्क्रिमिनेशन इन दोज डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो
वक्त जो था वो ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था, तो द रिचर पीपल वर एक्सप्लॉयटिंग द पुअर वंस, एंड इन दिस नावल इन पर्टिकुलर देर आर लोअर क्लासेस. और जो जो डॉग है, ठीक है जी, जो डॉग का जो सिंबल लिया गया है वो डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है उन दिनों की, ठीक है जी. अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक सो. ठीक है जी, देर आर नॉट एज मैनी सिम्बल्स, बट देर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस. द नेक्स्ट वन लेट मी नो विच वीडियो डू यू वॉन्ट, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.